नमस्कार, मैं संगीता और मैं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी आयुर में स्वागत करती हूँ। काफी लोगों ने कमेंट करके हमें पूछा था कि आप प्रकृति के ऊपर वीडियो बनाइए। सच पूछिए तो खुद की प्रकृति के बारे में जानना, यानी खुद की प्रकृति कौन सी है, वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है या फिर कफ प्रकृति है, ये जानने की उत्सुकता हर किसी के मन में रहती है और आयुर्वेद ने भी प्रकृति का बहुत ही महत्व बताया है। इसलिए आज की जो वीडियो है ये प्रकृति के ऊपर है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकृति क्या है, प्रकृति कैसे बनती है और कौन कौन सी बातों पर इसे बनते समय उस पर क्या असर होता है, इसके प्रकार कौन से हैं और इसे जानना हमारे लिए जरूरी है। प्रकृति का अर्थ होता है नेचर, हमारा सहज भाव यानी हमारा स्वभाव। आयुर्वेद ने बताया है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, शारीरिक क्रिया क्षमता, सोचने समझने की शक्ति, हरेक की बुद्धिमत्ता, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, खान पान की रुचियां, हर एक चीज एक दूसरे से अलग है। आप भी देखते होंगे कि आपके परिवार में या जहां पर आप काम करते हैं या फिर आपके आसपास पड़ोस के जो लोग हैं वो हरेक एक दूसरे से अलग हैं। किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है या कोई हर परिस्थिति में शांत रहता है, किसी को बोलना बहुत अच्छा आता है तो कोई दूसरा शांत रहता है, किसी किसी को काम करने की बहुत जल्दी है तो किसी को आलस है। तो ये सब स्वभाव हैं, ये हमारे प्रकृति के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। जो तो आज देखेंगे कि प्रकृति का हमारी कौन कौन सी चीजों पर असर होता है, प्रकृति कैसे बनती है। प्रकृति हमें जन्म से बल्कि गर्भावस्था से ही मिलती है और ये मृत्यु उपरांत हमारे साथ ही रहती है। क्या हम प्रकृति को बदल सकते हैं? जी नहीं, हम इसे कभी नहीं बदल सकते। पर अगर हम इसे बदलना भी नहीं सकते तो फिर इसके बारे में जानना जरूरी क्यों है? सच पूछिए तो प्रकृति का पूरा ध्यान सिर्फ आयुर्वेद चिकित्सा के लिए ही जरूरी है, लेकिन अगर आप इसमें से कुछ बातों के बारे में जानेंगे तो इसमें आपका भी फायदा है। तो चलिए जानते हैं कि प्रकृति का ध्यान जरूरी क्यों है। अगर हमें खुद की प्रकृति के बारे में पता हो तो खानपान से संबंधित कुछ सावधानियां हम बरत सकते हैं। अपने खाने में हमें कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, हमारी प्रकृति के अनुसार कौन सा आहार लेने से हमें फायदा हो सकता है और किससे हमें नुकसान हो सकता है, कौन सी सब्जियां, कौन से फल हमारे लिए हितकर हैं, ये सब हम प्रकृति के अनुसार इसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे अगर किसी की पित्त प्रकृति है तो सोम जो है वो पित्त शामक है और जो काली मिर्च व पित्त को बढ़ाने वाली है तो इसके बारे में सावधानियां बरत सकते हैं। इसके ही साथ साथ ये शारीरिक क्रियाएं हमारे कैसे हों, हमने व्यायाम कितना करना चाहिए, ये भी प्रकृति के ऊपर है। एक ही व्यायाम प्रकृति हमें फायदा दिलाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो हमारा खान पान है, जो एक शारीरिक क्रिया है, वो प्रकृति के अनुसार हम करेंगे तो उसका फायदा हमें अवश्य मिलेगा। हर मौसम में भी आपको आपकी प्रकृति के अनुसार सावधानी बरतनी होगी। जैसे जो शरद ऋतु यानी अक्टूबर का महीना है, इसमें पित्त का प्रकोप रहता है, तो जिस व्यक्ति की पित्त प्रकृति है उसने इस ऋतु में पित्त शमन करने वाला जो खान पान है उसका सेवन करना चाहिए। लेकिन ये तभी संभव है जब उसको पता है कि उसके पित्त प्रकृति है। उसके साथ साथ ही आयुर्वेद चिकित्सक हैं, वो चिकित्सा देते हैं, समय पर आपकी प्रकृति के अनुसार आपको औषधियां बताते हैं। किसी को भी किसी खास बीमारी के लिए कोई एक ही दवाई या फिर एक ही नुस्खा काम नहीं कर सकता, तो अलग अलग प्रकृति में अलग अलग औषधियों का सेवन करना जरूरी रहता है। इसके साथ ही प्रकृति का ज्ञान इसलिए भी जरूरी है ताकि हम दूसरों का व्यवहार समझ सकें। काफी बार हम सोचते हैं कि सामने वाला इतना गुस्सा क्यों करता है या फिर उसको इतनी जल्दी क्यों है या इतना स्लो क्यों है, तो उसका मूल स्वभाव है, हम उसे नहीं बदल सकते। तो प्रकृति का ज्ञान हम इन सभी बातों के लिए हमें बहुत ही जरूरी है ताकि हमें इन सब बातों का पता चले। इसके साथ ही एक और बात भी जरूरी है कि प्रकृति को जानने के लिए हमें वात पित्त कफ तीनों दोषों के बारे में जानना जरूरी है। प्रकृति कैसे बनती है, तो जो गर्भधारण के समय पुरुष वीर्य और स्त्री वीर्य अर्थात स्त्री का बीज और पुरुष का बीज
जब मिलते हैं तो इसमें जो वात पित्त कफ दोष है इसमें से कौन सा दोष अधिक है, यानी कौन सा दोष है जो डोमिनेट है, उसके अनुसार जो बच्चा है उसकी प्रकृति है, उसका नेचर बनेगा। इसके साथ ही और भी कुछ बातें हैं जिसका प्रकृति पर असर पड़ता है, वो है गर्भधारण के समय जो माँ बाप हैं उनके मन की स्थिति कैसी है, गर्भधारण का काल यानी मौसम कौन सा है, फिर गर्भाशय की स्थिति कैसी है यानी जिस गर्भ में भ्रूण पलेगा तो वो गर्भाशय निरोगी है या उसमें कोई विकार है, यह भी उस पर असर करता है। उसके साथ ही गर्भिणी है उसके मन की स्थिति कैसी है, जो गर्भिणी है उसका खान पान कैसा है, उसकी जो शारीरिक क्रिया है वो कैसी है, उसका भी उस पर असर रहेगा। इसके साथ ही जो पंच महाभूत जो आकाश वायु तेज आप और पृथ्वी, ये जो पांच महाभूत हैं उसमें से किसका प्रबल ज्यादा है उसके अनुसार भी जो प्रकृति बनती है, तो इसमें दोषक प्रकृति, मानस प्रकृति और भूत प्रकृति, ये तीन प्रकार हैं। इसमें फिर दोषस प्रकृति के प्रकार वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, वात पित्त प्रकृति, वात कफ प्रकृति और कफ पित्त प्रकृति, इस प्रकार के हैं। और सबसे आखिरी में त्रिदोष प्रकृति। इसके साथ ही जो मानस प्रकृति है इसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति है। जो भूत प्रकृति है उसके भी पांच प्रकार हैं। देखिए दोषस प्रकृति में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी की वात प्रकृति है तो इसमें पित्त और कफ दोष बिल्कुल भी नहीं है। हर व्यक्ति के शरीर में वात पित्त कफ ये तीनों दोष रहते हैं, सिर्फ उसमें कौन से दोषों की अधिकता है उसके अनुसार वो प्रकृति जो है वो बनती है। हमने ऑलरेडी ही वात पित्त और कफ इसके ऊपर एक वीडियो डाली हुई है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें। नमस्कार।